नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूं देशनोक के करणी माता मंदिर। चूहों के कारण प्रसिद्ध इस मंदिर की एक विशेषता है कि मंदिर के बाहर आपको एक भी चूहा नजर नहीं आएगा। देखिए, लेकिन जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तब आपको सैकड़ों की संख्या में चूहे नजर आएंगे। ये देखिए, इन चूहों को करणी माता का वंशज माना जाता है। मंदिर को और भव्य बनाया जा रहा है, काफी दिनों से यहाँ काम चल रहा है। माना जाता है कि मंदिर के पास ही एक गुफा में करणी माता अंतर्लीन हुई थी। संवत 1550 में चैत्र शुक्ला नवमी के दिन, और उसके 5 दिन बाद ही चैत्र शुक्ला 14 से यहाँ पूजा चली आ रही है। आज थोड़े चूहे कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आरती होती है तो चूहे भी काफ़ी संख्या में दिखाई देते हैं। एक विशेष बात है कि इतने चूहे होने के बावजूद भी यहाँ चूहों की गंध नहीं आती, और नए ही चूहे से कोई बीमारी फैलती है। देखिए करणी माता, कुछ विदेशी सैलानी भी आए हुए हैं यहाँ पर। मंदिर के ऊपर जालियां लगी हुई हैं ताकि झील कोवे से चूहों को कोई हानि ना हो। चूहों को दूध और लड्डू चढ़ाया जाता है। चूहों का जूठा प्रसाद ही भक्तों को दिया जाता है। देखिए, कुछ मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी करणी माता के दर्शन के लिए आए हैं। दोस्तों, यदि आपको यहाँ पर सफ़ेद चूहे के दर्शन हो जाए तो उसे काफ़ी लक्की माना जाता है। ये देखिए, कुछ लोग खड़े हैं यहाँ सफ़ेद चूहे के दर्शन के लिए। ये लोग यहाँ घंटों खड़े होते हैं ताकि उन्हें सफ़ेद चूहे का दर्शन हो जाए। तो करणी माता मंदिर के ठीक सामने है करणी म्यूजियम, जहाँ जाके आप करणी माता की जीवनी के बारे में जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे कोई वीडियो देखना हो तो मुझे सब्सक्राइब करें। Thank you.